हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट हेल्थ प्रैक्टिस एंड हेल्थ, हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारी पर्सनल और एनवायरनमेंट हेल्थ प्रैक्टिस कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है, कैसे एक दूसरे से मिक्स्ड हैं, कैसे एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना चैप्टर, पर्सनल हैबिट्स। पर्सनल हैबिट्स क्या होती है? पर्सनल हैबिट्स ऑफ सैनिटेशन, एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप एंड डाइट एक्सेट्रा, वी हैव ए थर्मेंडियस इफेक्ट इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट पर्संस हु developed good health habit in their childhood developed into healthy and happy individual. Good personal habits that may have beneficial effect on the health and an individual are. कह रहे हैं कि जो हेल्दी इंसान होता है, एक्सरसाइज होती है, हेल्दी रहना होता है, एक्सरसाइज होती है, रेस्ट करना, स्लीपिंग, अच्छा डाइट लेना, ये सब हम कह सकते हैं कि हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति को रोगों से या बीमारियों से आज़ाद करवाने का एक तरीका होता है, ठीक है। और ये देखा गया है कि हमें अच्छी आदतें जो होती हैं, गुड हैबिट्स जो होती हैं, गुड हेल्दी हैबिट्स, वो हमें बचपन से ही अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा हैप्पीनेस की तरफ रहते हैं, ठीक है, प्लीजेंट महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, और उनका हेल्थ, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, जो लोग ये सब चीज़ें बचपन से ही अपना कर चलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी आदतें होती हैं, बहुत सी हमारी हैबिट्स होती हैं जिनका हमारी आप कह सकते हो कि हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले है, इन्होंने कहा, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। जो बहुत देर रात तक जागते हैं तो ऑब्वियस है कि वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, और जो देर रात तक जागते हैं सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स कह दो कि वो सब जमा हो जाते हैं, और लेजीनेस होती है, हेडेक होता है, ठीक है, और हेल्दी नहीं रहते हम लोग, अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। मोर एवर, द मॉर्निंग फ्रेश एयर सर्व्स एज ए टॉनिक फॉर द बॉडी एंड कीप ए मैन फ्रेश एंड अलर्ट थ्रू द डे। अगर मॉर्निंग वॉक हो जाती है या फ्रेश मॉर्निंग एयर हमें मिलती है तो शरीर में से बहुत सारी जो आप कह सकते हो कि ख़राब चीज़ें हैं वो निकल जाती हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी में आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा है केयर। सबसे पहले यानी क्या करना चाहिए हमें? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें जल्दी उठना चाहिए मॉर्निंग में। दूसरा है केयर ऑफ टीथ। टीथ की केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि जो मतलब टीथ से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो हमारे मुँह में से जो स्मेल आती है वो टीथ की वजह से आती है, फिर इसकी वजह से इन्फेक्शन अंदर टमी तक पहुंच, मतलब हमारे बॉडी तक पहुंच जाता है, और उसके बाद हम बहुत बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो केयर ऑफ टीथ कैसे करनी चाहिए? क्लीनिंग टीथ शुड बी द फर्स्ट स्टेप आफ्टर गेटिंग इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम होना चाहिए कि दांतों को साफ करना। और क्लीनिंग और चिल्ड्रन शोइंग केयरलेसनेस इन क्लीनिंग टीथ इन द मॉर्निंग आफ्टर मील ऑफन डेवलप्स कैरीज एंड गम ट्रबल्स। They later on lost their teeth early life. To keep the teeth in perfect health, these should be cleaned after every meal and before going to bed at night. वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए कि दांतों के लिए बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो दांतों में रहते हैं और दांतों को ख़राब करते हैं। खासकर अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों को खाना खाने के बाद दांत ज़रूर अपने साफ़ करना चाहिए, यानी ब्रश करनी चाहिए, और क्योंकि उनके दांतों में छोटे छोटे छेद होते हैं या मसूड़ों के पास जगह होती है जहाँ पे खाना रह जाता है, और रहने के बाद वो वहाँ पे ही सड़ जाता है। इससे दांत तो जो है वो कैविटी आ जाती है और दांत ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। टीथ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फूड। टीथ का जो है डाइजेशन फूड को पचाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे ब्रीक, क्योंकि वो फूड को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है और उसे चबाने की प्रोसेस करता है। चबाते हुए स्लाइवा जो है वो उसके साथ मिक्स होकर जो खाना होता है उसे
खाने के लायक बनाती है, यानी उसे सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। टीथ शुड बी क्लीन्ड बाय यूजिंग ए सेफ ड्रिंकिंग सॉरी सेफ डेंटल पेस्ट और मंजन। दांतों को या तो सही ढंग से यूज़ करने वाली पेस्ट से यूज करना चाहिए, या फिर मंजन वगैरह से, सॉफ्ट ब्रश से उसको मतलब मसाज करनी चाहिए दांतों की, ठीक है, उसकी उसको साफ सफाई करनी चाहिए, ओके। उसके बाद वो कह रहे हैं इफ़ फूड पार्टिकल्स रिमेन इन टीथ, अगर कई बार ऐसा होता है कि रात को बिना ब्रश किए बच्चे सो जाते हैं और उनके दांतों में फूड पार्टिकल छुप यानी खाने के छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं, दे डिके एंड प्रोड्यूस एन एसिड इन द माउथ विच गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द बैक्टीरिया टू अटैक द टीथ एंड कॉज टूथ डिके। द बैक्टीरिया विच अटैक द टीथ कैन डू so only when surrounded by an acid medium। अब सुनिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें दांतों को किसी भी पेस्ट से, मंजन वगैरह से और नॉर्मल जो ब्रश होती है उससे साफ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दांतों के बीच में खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो फंस जाते हैं, और अगर दांतों के बीच में ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो वो उसको सड़ा देते हैं, ठीक है, गंदा कर देते हैं दांतों को, ठीक है, क्योंकि उसमें से क्या निकलता है, उसमें से एसिड निकलता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि हाँ, जो दांतों में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो वहाँ सराउंडिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके आने से होती है, यानी आजू बाजू गंदगी है तो उससे हमारे दांतों में भी गंदगी चली जाती है। द बैक्टीरिया प्रोड्यूस इन द मंथ आर थ्री काइंड्स। बैक्टीरिया जो है माउथ के अंदर तीन तरह से आ सकते हैं। पहला क्या है, दोज विच अटैक द डिस्ट्रॉय टीथ, पहला तो वो होता है जो सीधा दांत पे इफेक्ट करता है और दांत को ही खराब करता है। दोज विच प्रोड्यूस डिजीज ऑफ माउथ एंड अदर ऑर्गन्स, और पहला तो वो था जो दांत को ही खराब कर देता है, दूसरा वो है जो माउथ के अंदर होता है और बॉडी के अंदर चला जाता है उसके बाद और बहुत सारे ऑर्गन्स को बैक्टीरिया खराब कर देते हैं। तीसरा क्या है, दोज विच प्रोड्यूस फर्मेंटेशन, कुछ ऐसे होते हैं दांतों में बैक्टीरिया जो अपने जैसी फर्मेंटेशन पैदा करते हैं, यानी बहुत सारे और भी अपने जैसा बना लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ रहा है केयर ऑफ बॉल्स, ठीक है, फिर बाथिंग और फिर एक्सरसाइज। केयर ऑफ बॉल्स में क्या करोगे, बॉल्स में होता है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है हमारी बॉडी का, उसको डिस्ट्रॉय करना। द बाउल शुड बी क्लीन्ड, एक्स में है ये ना, द बाउल शुड बी क्लीन्ड एट लीस्ट वन डे, इनफैक्ट इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन मॉर्निंग, कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ गोइंग टू टॉयलेट एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग ईच डे कैन रेगुलेट द सिस्टम। इफ ए रेगुलर हैबिट of going to toilet in the morning is not formed, then the following elements may occur: constipation, indigestion and piles। ठीक है, अब सुनिएगा इसके बारे में क्या कहा। दूसरी देखो, पहले मैंने बताई थी कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, दूसरी मैंने बताई थी कि टीथ को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए, तीसरी मैं बता रही हूँ केयर ऑफ बॉल्स कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, उनको किस तरह से हमें डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि हवा में, गंदगी में वो फैल कर हम सबको बीमार ना कर दे, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि इस तरह से बाउल्स को जो है बाउल मतलब आप कह सकते हो कि कॉन्स्टिपेशंस, इनडाइजेशन और पाइल्स, ये कुछ इस तरह की बीमारियां होती हैं जो कि सही टाइम पे, सही जगह पे, सही टाइम पे और सही जगह पे टॉयलेट वॉयलेट ना जाने का के कारण होती हैं, ठीक है। और इसने और भी कुछ कहा है नीचे, इफ़ द डाइट इज़ करेक्ट देन द बाउल्स विल बी क्लीन्ड ऑटोमेटिकली, अगर आप अच्छी डाइट लेते हो तो बाउल्स अपने आप से ही सही आने लग जाता है। विटामिन बी रिच डाइट इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ बाउल्स, विटामिन बी की डाइट ज़्यादा होनी चाहिए अगर एक्चुअल में बाउल्स की डाइट दी जा रही है। देयरफॉर वन शुड ईट होल व्हीट ब्रेड, पेलेंटी ऑफ सलाद एंड इनफ ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, उनका मानना है कि
जो टॉयलेट्स वगैरह को मतलब ड्रेनेज किया जाता है, बाहर भेजा जाता है, उसमें मेन कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से ये सब हो सकता है? अगर हम ढंग से कॉन्स्टिपेशन हो सकती है यानी कब्जी हो सकती है, अपचन हो सकता है, और पाइल्स मतलब बवासीर हो सकती है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर टॉयलेट्स वगैरह के लिए सही व्यवस्था ना की जाए और टाइम पे अपना एक दिनचर्या ना बनाई जाए तो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं, इन द डाइट ऑफ कोरेक्ट देन द बाउल विल बी क्लीन ऑटोमेटिकली। अगर आपको सही डाइट मिलेगी तो जो बाउल होगा वो अपने आप से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने कुछ कहा है, ये कह रहे हैं विटामिन बी रिच एसेंशियल जो वो हैं वो यूज़ करने चाहिए, देयर फॉर वन शुड ईट होल व्हीट ब्रेड, ठीक है। वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना चाहिए, गेहूं के आटे की रोटी, डबल रोटी, सैलेड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब को ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है। जो चौथा आ रहा है इसमें वो आ रहा है बाथिंग। ओके, बाथिंग क्या होता है? नॉर्मल सी लैंग्वेज है बाथिंग, तो नॉर्मल सी बात है कि जब हम बहुत थकान महसूस कर रहे होते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो नहा के आते हैं, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। होता क्या है कि जब कोई नहाने जाता है तो उसका आप कह सकते हो कि उसका जो स्किन है ना, और ब्लड जो है वो सर्कुलेट होने लगता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्किन जो होती है, स्किन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑन आवर बॉडी। स्किन एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारी बॉडी की जो प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती है। इट इज़ आल्सो एन एग्जीक्यूटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और ये भी हमारे लिए एक एग्जीक्यूटरी ऑर्गन होता है, ठीक है, क्योंकि स्किन से भी स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं और बाहर जाता है। बाय मीन्स द स्वेट ग्लैंड इट गेट्स रिड ऑफ वाटर एंड सम अदर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम बॉडी। अब होता क्या है कि जब पसीना आता है तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो बाथिंग के थ्रू भी बाहर निकल जाती है, पसीने के थ्रू पहले शरीर पे आ जाती है और जब हम नहाते हैं तो वो निकल जाती है। द सर्फेस ऑफ स्किन कॉन्स्टेंटली रिसीव स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड एंड ग्रेजी मैटर फ्रॉम सेबेक्यूस ग्लैंड। अब इसके बारे में आप थोड़ा सा और डीप समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि जब सेबेक्यूस ग्लैंड जो है उसको जब कुछ चिकना मिलता है या चिकनी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, जिससे जो हमारी स्किन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और गंदगी, धूल, मिट्टी, ये सब चीज़ें उसके अंदर एंट्री जो है वो बहुत अच्छे से कर पाती हैं हमारी स्किन के अंदर, क्योंकि चिकना हो जाता है तो गंदगी जल्दी चिपक जाती है, धूल मिट्टी चिपक जाती है, ठीक है। और उसने कहा है कि यदि डेली नहा कर अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को साफ़ किया जाए, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक के ऊपर या अदर चीज़ों के ऊपर बाहर गंद जम जाता है, धूल मिट्टी जम जाती है, ऐसे हमारी बॉडी पे भी जम जाती है, तो हमें रेगुलर अच्छे से नहाना चाहिए और अपनी बॉडी से उन जो टॉक्सिन है उनको हटाना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट दिए रखे हैं। पॉइंट में क्या कहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनके द्वारा हमारी बॉडी पे ना नहाए तो क्या क्या गलत इफेक्ट पड़ सकता है। सबसे पहला इन्होंने बताया है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ द स्वेट ग्लैंड, दिस लेड टू द एंड ऑफ देयर यूज इन गेटिंग रिड ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मैटर्स ऑफ द बॉडी। दिस पुट्स एन एक्स्ट्रा लोड ऑन द किडनी एंड लंग्स। ये कह रहे हैं कि जो ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, वो शरीर से क्या करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। नंबर वन पॉइंट है, जो स्वेट ग्लैंड है वो ग्लैंड जो होती है वो शरीर से स्वेटिंग के थ्रू गंदगी को बाहर निकालती है, ठीक है, और लंग्स को, किडनी को उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डालने जाती, ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालने देती, उनको थोड़ा संभाल कर रखती है। सेकंड पूछा है डाइट एक्यूमुलेशन और डाइट accumulation on the skin helps the germs to grow the multiply on the skin. This may lead to many skin disease. उसने कहा है कि पहला तो मैंने बताया था कि जो
ग्लैंड्स होती हैं वो फेफड़ों पे किडनी पे ज़्यादा अधिक बोझ नहीं दे देती। तीसरा मैंने बताया है कि जो स्किन होती है वो क्या करती है कि वो उसके ऊपर गंदगी जम जाती है और नहाने से वो गंदगी जो है वो ख़त्म होती है, ठीक है। और जल्दी जल्दी अगर हम नहाते हैं अपनी स्किन पे गंदगी नहीं जमने देते तो बहुत तरह की जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो नहीं होती है, ठीक है। चौथा मैंने बताया कि जो स्किन होती है उसकी आप ये कह सकते हो कि सेंसिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अगर हम ढंग से नहाएंगे नहीं तो हमारे स्किन की सेंसिबिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद चौथा जो इन्होंने बताया है, डर्टी स्किन एंड क्लॉथिंग क्लॉथिंग कैन बी ब्रीथ टू पैरासाइट्स लाइक फ्लिया हेड लॉस एंड बॉडी लॉस। दीज पैरासाइट्स फीड ऑन ह्यूमन बींग। कह रहे हैं कि अगर मतलब हमारा शरीर ज़्यादा गंदा रहता है, गंदगी रहती है, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं तो बहुत सारे आप कह सकते हो कि बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े या बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर पे लग सकती हैं, जैसे सिर पे और स्किन पे, सिर पे जैसे जुएं वगैरह हो जाती हैं वो गंदगी के कारण ही होती हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन बॉडी है वो भी उस गंदगी को अपने शरीर में रख सकता है, खुद से उसको ख़त्म नहीं करता, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है एक्सरसाइज, ओके। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू।